नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 10 अगस्त 2022 रात्रि नौ बजकर के पचास मिनट पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल उत्साह है मंगल शक्ति पराक्रम हिम्मत है मंगल हथियार क्रोध वाद विवाद अहंकार है मंगल मंगल के कारकत्वों के कारण हमारे जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है अगर मंगल हमारी कुंडली में कारक बनकर के बलि बनकर के बैठा हो तो कह सकते हैं कि ऐसा जातक बेहद साहसी होगा किसी से दबने वाला नहीं होगा सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला होगा और मंगल कमजोर हो तो आत्मविश्वास में कमी हो जाती है कहीं ना कहीं ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है 16 अक्टूबर 2022 की प्रातः तक मंगल वृषभ में गोचर करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे प्रिय दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है और कल हमने मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत छह राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया था अब आज हमारी चर्चा तुला से लेकर के मीन राशि पर्यंत इन छह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है आज हम ये जानेंगे सबसे पहले तो मैं बता दूं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में सातवीं राशि और आज की पहली राशि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है कैसा प्रभाव उत्पन्न करने जा रहा है अब देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर करेंगे सीधी सी बात है यह आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता अष्टम में मंगल के गोचर के कारण परेशानियां आने वाली हैं जीवन में एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां निरंतर आएंगी इस गोचर का आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने वाला है आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा रक्त जन्य विकार की प्रबल संभावना है तो ही पारिवारिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा माता पिता से सलाह मशवरा करके काम करिए ताकि आपको राहत मिल सके जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके आप काम करिए ताकि आपको थोड़ी राहत मिले विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत हद तक ठीक है विशेष करके रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को अच्छा माना जाएगा स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी है मानसिक रूप से भी इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनफिट ही महसूस करेंगे शांत रहना होगा ध्यान का सहारा लेना होगा और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना होगा अन्यथा यह गोचर आपको मुसीबत में डालेगा चर्चा करें अगर तुला राशि के जातकों की तो मैं बता दूं कि वर्तमान समय में आप शनि राशि की ढैया से परेशान हैं बीते दिनों आपने बीच में थोड़े समय के लिए शनि को राशि से पंचमस्त पाया था जिसके चलते कहीं ना कहीं आपने मानसिक अशांति और परेशानी भी देखी अब देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है अभी आपकी राशि से सप्तम में था जो कि रोचक राशि से अष्टम में गोचर करेंगे अष्टम में गोचर को बहुत अच्छा कभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अष्टम में मंगल के गोचर से परेशानियां तो आनी ही आनी है अब देखिए मंगल आपके लिए पति और धनपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे धनपति बनकर के गोचर करने के कारण और इनकी दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण कहीं ना कहीं से ये न के न के कुछ आकस्मिक धन लाभ तो होगा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि धनागमन की संभावना बनेगी पर फिर भी ये कहा जाएगा कि यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वाणी पर नियंत्रण ना रखने से परेशानी उत्पन्न होगी हालांकि मंगल स्वयं के घर को देखेंगे पर फिर भी संभव है कि वाणी के कड़वाहट के कारण आप औरों को अपना शत्रु बना ले मंगल की दृष्टि पराक्रम पर होना यह अच्छी बात है पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो तब तो ना आप अपने पर, परिश, परिश्रम और पुरुषार्थ पर विशेष रूप से काम कर सकेंगे तो कुल मिलाकर के जब स्वास्थ्य में ही परेशानी होगी स्वास्थ्य ही कमजोर होगा तो आप परिश, परिश्रम और पुरुषार्थ करेंगे कब स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा स्वास्थ्य में परेशानी आनी तय है मंगल के अष्टम में गोचर से दुर्घटना की संभावना काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो अष्टम भाव गुप्त अंगों को दर्शाता है सुगुप्त रोग की संभावना गुप्तांगों से संबंधित कोई ना कोई चीरफाड़ ऑपरेशन की संभावनाओं को भी ये प्रदर्शित करता है सचेत रहिए जो लोग मधुमेह के रोगी हैं तुला राशि के हैं वो विशेष रूप से सावधान रहें उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाइए हनुमान जी का दर्शन करिए हनुमान जी की शरणागति से ही आपको सुरक्षा मिलेगी सो हनुमान जी के मंदिर में जाना उनका दर्शन करना और साथ ही साथ पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया जलाना यह काम आप करते रहिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए बिना कोई कष्ट प्रदान करते किए हुए तो बस यही इतना उपाय आपको करना है शांति से इस गोचर से निकलने के लिए वृश्चिक राशि दस अगस्त दो भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं यानी आपकी राशि से देखा जाए तो सप्तम में मंगल का गोचर होने जा रहा है सीधी सी बात है कि यह भाव आपके विवाह का है साझेदारी का है मंगल यहां पर जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो निसंदेह आपको आपके जीवन के कुछ नए अनुभव कराएंगे वैवाहिक जीवन में भी मैं सकारात्मक परिवर्तन ही कहूंगा हालांकि कुछ मामलों में मैं मतभेद की भी संभावना है पर संभावना ये ज्यादा है कि सकारात्मक परिणाम ही ज्यादा निकल करके सामने आएंगे जीवन साथी के साथ यदि मिलकर के कोई कारोबार शुरू करने की तैयारी में विचार बना रहे हैं तो ये बड़ा ही अनुकूल विचार है और आप इसी विचार को लेकर के आगे बढ़िए परिवार के मध्य यदि कोई कलह तनाव या विवाद की स्थिति है तो इसे गोचर काल के दौरान उस कलह और विवाद को दूर करने का प्रयत्न करिए हां याद रखिएगा कि मंगल गलत फहमी उत्पन्न करने में भी महारथी है सो जरा सचेत रहिएगा सतर्क रहिएगा और गलत फहमी को दिमाग में जमने मत दीजिएगा नौकरी पैसा लोगों के लिए बढ़िया है जो आपके सहकर्मी हैं वो आपके सहयोगी होंगे कारोबार अगर अपना बढ़ाना चाहते हैं कारोबार अपना बनाना चाहते हैं तो बढ़िया है कारोबार को नई दिशा आप इस गोचर काल के दौरान दे सकते हैं देखिए देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर होने जा रहा है आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है मंगल की चौथी दृष्टि कर्म पर मंगल की सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी पुनः दोहरा देता हूं द्वितीय भाव में गुरु की राशि होने के कारण वाणी में सत्यता और कड़वाहट दोनों ही देखने को मिलेगा आपके मंगल की दृष्टि के कारण उस कड़वाहट में थोड़ी वृद्धि होगी कई बार क्या होता है कि कड़वाहट तो नहीं होता सामने वालों को यह प्रतीत होता है कि आप बहुत कड़वी वाणी बोल रहे हैं आप कई बार जानबूझ करके कड़वा नहीं बोलते सामने वालों को ऐसा लगता है कि आप जब भी बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं तो यह मंगल के प्रभाव से ऐसा बढ़ जाएगा मंगल की दृष्टि जो कर्म भाव पर पड़ेगी तो कार्यक्षेत्र के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा नौकरी पेशा चाहे वो सरकारी नौकरी के लोग हों या प्राइवेट सेक्टर के कार्यक्षेत्र में आपके लिए विशेष उत्थान के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा है कार्यक्षेत्र में जो भी बेहतर संभावना आपके लिए हो सकती थी उन सभी संभावनाओं में मैं आपको अव्वल पा रहा हूं आपको वो सभी चीजें प्राप्त होंगी जो आपको मिलनी चाहिए थी मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व तो पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व तो में सक्रियता बढ़ जाएगी जल्दबाजी थोड़ी बढ़ जाएगी धैर्य की कमी थोड़ी हो जाएगी हालांकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि धैर्य के साथ ही आपको कोई काम करना होगा धैर्य के साथ ही आगे बढ़िए तो आपको सफलता मिलेगी तो वहीं मंगल की दृष्टि मैं पुनः दोहरा देता हूं द्वितीय पर है सोबाणी की कड़वाहट से जरा बच करके के के लिए देखा जाए दे तो ध़ी, ध़ी आ, कुछ भी नहीं परेशानी देने के लिए आया था अब वो समय फिलहाल नहीं चल रहा है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर का समय आपके लिए उत्तम होने जा रहा है कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं विशेष करके साझेदारी में और वो भी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी जीवन शांति के साथ अगर किसी और के साथ भी आप साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम सिद्ध होगा उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए लेकिन सपत्निक करना चाहिए यानी अर्थात सपत्निक अर्थ है जीवन साथी के साथ जीवन साथी के साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाइए उनका दर्शन करिए विशेष करके मंगलवार के दिन ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा उत्तम हो जाए और ज़्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक हो बाकी आपको इस गोचर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है गोचर तनिक भी दिक्कत नहीं देगा धनुराशि 10 अगस्त 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं देखा जाए तो राशि के जातकों के लिए जो गोचर होने जा रहा है आपकी राशि से ष्ठ में होने जा रहा है सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको यह मैं जो राशिफल बताने जा रहा हूं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सष्ठ में होने जा रहा है मंगल को सष्ठ का कारक कहा गया है फलतः इस गोचर काल के दौरान आप देखेंगे कि आपका शत्रुपक्ष आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेगा लेकिन जब उसे पता चलेगा तब तक आप उसके ऊपर हावी रहेंगे रोग का भाव होने के कारण रोग को लेकर के जरा सचेत और सतर्क रहिएगा परंतु ऋण का भाव होने के कारण ऋण से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं ऋण से हर तरह से आप बाहर हैं ऋण आपको कतई कोई परेशानी नहीं करा सकता यह गोचर कुल मिलाकर के ऐसा है जैसे आपके जीवन काल में रचनात्मक क्रियाएं गतिविधियां बढ़ जाएंगी धनुराशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान सफलता मिलने वाली है किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा नहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है मूलतः कोर्ट कचहरी का चक्कर क्या लगे कोर्ट कचहरी के नाम पर आपके व्यर्थ के व्यय हो जाएंगे आपको अपने विरोधियों के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं करना आपके विरोधी सोचेंगे वो इस खुशफहमी में रहेंगे कि वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और गत्वा उनको पता चलेगा कि आप उनके ऊपर हावी हैं बस अपने ऊपर संतुलन बनाए रखिएगा पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा माता पिता से सलाह लेकर के कोई काम करें तो यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम हो जाएगा अब जरा देखिए मंगल का यह गोचर जो कि मंगल आपके लिए बारहवें के स्वामी बनकर के पंचम पति बनकर के सष्ट में गोचर कर रहे हैं तो पंचम पति बनकर के ष्ठ में गोचर करने के कारण प्रेमियों के लिए ठीक नहीं होगा प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी गलतफहमी मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होगी किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद बढ़ सकता है लेकिन अगर वही बात करें कि जो लोग रोग रिपु ऋण से परेशान रहते हैं क्योंकि धनुराशि के जातकों को पता होगा कि पिछले दिनों से आप साढ़े साती से जूझ रहे हैं और साढ़े साती के कारण कमोबेश आपके जीवन काल में परेशानी तो आ ही गई होगी रोग रिपु और ऋण कई बार जब आप ये पूछते हैं कि गोचर के इतने कम दिनों से हमें क्या लाभ मिलेगा अब जरा देखिए साढ़े सात साल का जो गोचर आपके जीवन काल से गुजरा है शनिदेव का अभी बाकी है जनवरी में समाप्त हो जाएगा तो इस साढ़े सात साल ने आपको बहुत बहुत हद तक मामलों में तोड़ा होगा बहुत मामलों में आपको परेशानी में डाला होगा तो क्या मंगल पैंतालीस दिनों में बदल देंगे नहीं एकदम नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता पर फिर भी जरा सोच के देखिए कि आप बहुत ज्यादा ऋण से परेशान हो और ऋण से बाहर निकलने का मार्ग दिख जाए ऋण से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए आपको रोग से परेशान हो एक सही डॉक्टर मिल जाए जरूरी नहीं है कि आप रोग से मुक्ति भी पा लें लेकिन एक सही डॉक्टर आपको मिल जाए और सही इलाज आपका होने लगे मूल देखा जाता है कि जिस अच्छे समय की हम चर्चा कर रहे हैं क्या वो अच्छा समय आपके जीवन का कोई मार्ग ऐसा माध्यम खोल सकता है जिससे आपका जीवन और अच्छा हो जाए तो यहां कहा जा सकता है कि हां यह गोचर आपके लिए बढ़िया है और आपकी परेशानियों से बहुत हद तक आपको यह मुक्ति दिला देगा अब देखिए मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो सीधी सी बात है आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे पुरुषार्थ में वृद्धि भाग्य में वृद्धि व्यय कारक स्थिति होगी लेकिन जहां तक बात है आपको गलत कार्य नहीं करना होगा कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं तो कोई भी गैर कानूनी काम गलत कार्य न करें नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे बाकी मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व तो पर पड़ेगी तो अहंकार ज़्यादा नहीं पालना है क्रोध नहीं करना है किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है किसी के साथ अभद्रता के साथ पेश नहीं आना शत्रुता नहीं करनी है इन चीजों से अगर आप बच गए तो फिर इस गोचर से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं करेगी हनुमान जी की आराधना करिएगा हनुमान जी के मंदिर में जाइए हनुमान जी का दर्शन करिए चूंकि देखा जाए तो साढ़े सात ही चल ही रही है तो शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन भर कर लीजिए यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा मकर राशि दस अगस्त दो भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं बता दूं यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है पंचम भाव प्रेम का भाव है शिक्षा का भाव है यहां पर संतान का भाव है फलतः मंगल का यह गोचर प्रेमियों के लिए आपके लव लाइफ के लिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि यहां मंगल शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो यह बढ़िया है आपके लिए पार्टनर के और करीब हो सकेंगे जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए यह गोचर कहीं ना कहीं एक खुशखबरी लेकर के ही आ रहा है बढ़िया है आप और ज्यादा घूम फिर सकते हैं संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है बाकी देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है नौकरी में उन्नति आप पा सकते हैं जो लोग खेलकूद में बहुत ज्यादा हिस्सा लेते हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है क्रोध पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा यह गोचर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए बढ़िया स्थिति उत्पन्न करा करके ले आ रहा है बढ़िया है आपको लाभ देने वाला है आकस्मिक धन लाभ भी कराने वाला है यह समय ऐसा होगा कि बस आपको कोशिश करनी है कोशिश करने से लाभ होगा कोशिश ना करने से नुकसान होने वाला है यानी इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके अधिक से अधिक आपको प्रयत्न करना होगा प्रयत्न करने से ही आपको लाभ मिलेगा तो समझ लीजिए कि मंगल पुरुषार्थ है पराक्रम है और आपसे यह चाहता है कि अपने बुद्धि अपने विवेक अपने ज्ञान के दम पर आप जितना हो सके परिश्रम करिए पुरुषार्थ करिए ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सके देखिए मंगल के लिए अगर देखा जाए तो मंगल आपके चतुर्थपति बनकर के लाभपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे तो चतुर्थपति बनकर के जब पंचम में गोचर करेंगे तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है मंगल की दृष्टि अष्टम पर लाभ पर दोनों पर होने के चलते आकस्मिक धन लाभ भी होगा सुफलतः शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा जुआ इन क्षेत्रों से भी लाभ होगा धन आगमन की संभावना बनेगी कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा आपका वापस आ सकता है कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मैटर आपके जीवन काल में था जहां परेशानी थी उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है संभव है कि पैसे व्यर्थ बर्बाद होंगे लेकिन आपको मुक्ति मिलेगी एक और बात मंगल पंचम में गोचर करेंगे फलतः प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेरेंट्स से बात करना चाहिए सभी मेडिकल और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए पुरुषार्थ करना चाहिए हगोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है मंगल की दृष्टि अष्टम पर होने के कारण थोड़ी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अष्टम और द्वादश दोनों पर दृष्टि है फलतः आप कोई गैरकानूनी काम न करें ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज में आपकी मानहानि हो आपके परिवार की बदनामी हो तो ऐसे किसी भी गलत कार्य से आपको दूर रहना है चूंकि वर्तमान समय में साढ़े साती आपको चल रही है साढ़े साती की ये मध्य ढैया है तो कोई भी गलत कार्य गलत कार्य करने वाले जो आपके मित्र हैं ऐसे मित्रों से भी दूरी बना करके रहिएगा तभी यह गोचर आपके लिए शांति से गुजरेगा आपको किसी तरह की चिंता नहीं होगी हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं पहले से ही करते रहिएगा हनुमान जी के मंदिर में जाइए हनुमान जी का दर्शन करिए विशेष करके शनिवार और मंगलवार के दिन अवश्य ही हनुमान जी के मंदिर में जाइए हनुमान जी के मंदिर में जाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है बस दूसरा कोई उपाय नहीं करना हाँ जिन लोगों को साढ़े साथी से बहुत ज़्यादा कष्ट और तकलीफ हो रही है वो पीपल वृक्ष की जड़ को भी जल से सींचते रहें और बाकी हनुमान जी के मंदिर में जाते रहेंगे तो मंगल का यह गोचर लाभप्रद होगा एक और बात बता देना चाहता हूं जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि इस गोचर काल के दौरान अगर अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं ट्रांसफर प्रमोशन या किसी भी तरह से नौकरी में स्विच करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम सिद्ध हो रहा है या जो लोग वर्तमान में भारत में और विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर यानी प्राइवेट सेक्टर में और विदेश जाने की सोच रहे हैं आप केवल सोचिए मत प्रयत्न शुरू कर दीजिए आपको लाभ मिल जाएगा कुंभ राशि दस अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं अर्थात आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए देखिए चतुर्थ भाव में मंगल का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण तो साबित होगा आपके सुखों में वृद्धि और बढ़ोत्तरी के ही योग हैं नया कार्य नई नौकरी कार्यक्षेत्र में उन्नति यानी उन्नति कारक योग बनकर के ही ये आ रहा है आपके लिए आप यदि मशीनरी ऑटोमोबाइल इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये बड़ा लाभ भी आपको कराने वाला है कुल मिलाकर के देखा जाए तो जबरदस्त सफलता अर्जित कर सकते हैं पारिवारिक स्थिति को जरा संभालना होगा गृह कलह की संभावना भी इस गोचर काल के दौरान बनेगी लेकिन भूमि भवन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या तो आप प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं अच्छे दामों पर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है या सही दाम पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं लंबे समय से कोई सपना है आपका कोई घर इत्यादि आपने देख रखा था आपकी आंखों में गड़ा हुआ है आप लेना चाहते हैं लीजिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता दिखाई पड़ रही है छुटपुट परेशानी आएंगी छोटे मोटे मुद्दों पर आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है मतभेद मनभेद यही बात मैं आपके माता के साथ संबंधों को लेकर के कहूंगा माता के साथ संबंध में भी छिटफुट मतभेद तूतू में या कुछ परेशानी उत्पन्न होगी आमतौर पर देखा जाए तो चौथे में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है उसे बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाता विशेष करके मंगल सूर्य जैसे ग्रहों को चौथे में गोचर करना अच्छा तो नहीं ही कह सकते हैं फिर देखिए मंगल आपके लिए दसम पति और तृतीय पति बनकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में होने के कारण सुखों में कहीं कही ना कहीं वृद्धि के ही कारण बनेंगे और पराक्रम के कार्य स्वामी बनकर के तृतीय चतुर्थ में होने के कारण आपके पराक्रम में पुरुषार्थ में वृद्धि होगी तो जब आप पराक्रम और पुरुषार्थ करेंगे फलतः वो पराक्रम और पुरुषार्थ होगा कहां तो भूमि भवन वाहन इन्हीं सुखों में वृद्धि के लिए आपका पुरुषार्थ होगा एक और बात आपको बता दूं कि मंगल चूंकि अपने ही घर को दसम भाव को देखेंगे फलतः ये कार्यक्षेत्र में विशेष उत्थान उन्नति की भी सूचना लेकर के आ रहे हैं और एक बात आपको बता दी जाए मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है लेकिन गृह कलह की संभावनाओं को ये जन्म दिला देते हैं जीवन साथी से सामान्य छोटी मोटी बातों को लेकर के तूतू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहां पर थोड़ा सचेत और सतर्क रहना होगा आय के मामले में यह गोचर बहुत अच्छा सिद्ध होगा मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण धनागमन के नए रास्ते बनेंगे जैसा मैंने कहा नए व्यापार की रूपरेखा बनाइए नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं आप कर सकते हैं यहां एक बात और आपको बता देना चाहता हूं पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले भलीभा पार्टनर को समझ लीजिएगा विचार कर लीजिएगा पार्टनर से आपका संबंध कैसा है इस पर पूरी तरह से विचार करके क्योंकि जल्दबाजी में मंगल जब भी केंद्र से संबंध बनाते हैं जल्दबाजी में जातक कोई निर्णय लेने लगता है जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा पार्टनर को चुनने में जल्दबाजी मत करिएगा बाकी यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक होगा हनुमान जी की शरण में रहिए कुंभ राशि के जातकों को भी साढ़े साथी की प्रथम ढैया चल रही है हनुमान जी की शरण में रहिए हनुमान जी का दर्शन करना हनुमान जी के मंदिर में जाना हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी प्रदक्षिणा करना ये आपके लिए बेहद आवश्यक है यह करते रहेंगे तो यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से कष्टप्रद नहीं होगा और इस गोचर काल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो बस आप इतना ही करिए यह गोचर आपके लिए ठीक होगा मीन राशि 10 अगस्त 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशि फल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है उसी के आधार पर आप इस राशि फल को देखिए मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तृतीय में होने जा रहा है निसंदेह आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहा है मंगल ग्रह नेतृत्वकर्ता ग्रह है तृतीय में गोचर करने का मतलब है कि आपके अंदर साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें केवल और केवल पुरुषार्थ लगता है जैसे आप खिलाड़ी हैं जैसे आप सेना मिलिट्री पुलिस से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया या, या इन्हीं फील्डों में जाने के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए गोचर आपके लिए नई दिशा लेकर के आ रहा है कोशिश करिए सफलता आपको मिलेगी विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है शिक्षकों का विशेष प्रेम आपको प्राप्त होगा और वो वो जैसा कि मैंने कहा वो सभी विद्यार्थी जो सेना में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी आपकी सकारात्मकता आएगी और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान भूमि भवन से संबंधित जो कार्य बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था या आपका कोई सपना था ऐसे सभी कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी उनके जीवन में भी उत्साह की वृद्धि दिखाई पड़ रही है उनके लिए भी विशेष रूप से सफलता प्रदायक बनने जा रहा है यह गोचर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का बस थोड़ा ख्याल रखना चाहिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए पुरुषार्थ करना चाहिए पुरुषार्थ से चूकिएगा मत यह गोचर आपके जीवन काल में एक नई ऊर्जा का संचार समझ लीजिए एक नया सवेरा आपके लिए होने जा रहा है आइए समझिए कैसे मंगल आपके लिए देखा जाए तो द्वितीय पति बनते हैं और साथ ही साथ भाग्यपति बनते हैं भाग्यपति बने मंगल पराक्रम में गोचर करेंगे पराक्रम में आपके वृद्धि करा देंगे द्वितीय भावपति बने मंगल अगर पराक्रम में गोचर करेंगे तो धन संचय कराएंगे धन आगमन होगा तभी तो धन संचय होगा तो सीधी सी बात है कि मंगल की दृष्टि भाग्य और कर्म पर पड़ेगी भाग्य और कर्म पर पड़ने के कारण कार्यक्षेत्र में वृद्धि आपकी होगी कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी और वो क्यों क्योंकि आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है फलतः धन आएगा और धन आएगा तो धन संचित भी होगा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा इस गोचर काल के दौरान बिन मांगी सलाह देते देख, दिख, दिख जाएंगे मीन राशि के जातक तो सबसे पहले बता देता हूं बिन मांगी सलाह देने से आपको सर्वथा बचना है ये बेहद आवश्यक है बाकी आप समझ लें कि मंगल की दृष्टि के कारण विशेष करके मंगल की दृष्टि षष्ठ भाव पर होने के कारण रोग रिपु ऋण इस क्षेत्र से भी आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलने वाली है अगर कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि लोग आपके शत्रु बन जाते हैं कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपके शत्रु खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है और जो लोग नई नौकरी में है नौकरी में हैं उनके लिए तो अच्छा है ही व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है प्रेम के क्षेत्र में होचर जबरदस्त दाम्पत्य जीवन भी सुखद यानी मीन वो राशि है जिसके लिए गोचर चौतरफा केवल और केवल खुशियां केवल और केवल खुशियां यानी खुशियों की बरसात केवल मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर से कोई आपको दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं हनुमान जी की आराधना तब भी करिएगा हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा हनुमान जी के पूजा पाठ करने से उनके दर्शन करने से उनके मंदिर में जाने भर से यह गोचर आपके लिए और उत्तम हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की जो छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी तो बस हनुमान जी के दर्शन करिए काम बन जाएगा प्रिय दर्शकों हमारी चर्चा आज पूर्ण हुई मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत हमने बारहों राशियों के लिए मंगल के इस गोचर प्रभाव को जान लिया है आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार